ओम शांति। आज शनिवार है, मीठे बाबा के 12 दिसंबर के महावाक्य है, मीठे बच्चे अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। आज का प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, बच्चे तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो, हम श्रीमत के बर खिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं? जांच करनी है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिले हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते। बुद्धि की लाइन क्लियर है? ये सारे सवाल अपने आप को पूछ रहे हैं। आज का वरदान है, कहना सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाली ज्ञानी तो आत्मा भव। विस्तार है, अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर। कहना सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म संस्कार गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्म मिलन के खेल में बीजी रहेंगे। परमात्म मिलन के खेल में बीजी रहेंगे, एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। आज का स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसीलिए सेवा में सदा बिजी रहो। अच्छा, ओम शांति, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।